तो नमस्कार फ्रेंड, इस टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि गाइस आपने मोबाइल में रेल यात्री ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जी हां गाइस, आपने मोबाइल में रेल यात्री ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। सिंपल गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सिंपल गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में रेल यात्री ऐप को ओपन कर लेना होता है। सिंपल गाइस, मैं इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सिंपल गाइस, मैं यहां पर ट्रेन टिकट बुक करना चाहता हूं तो ऊपर की साइड में फर्स्ट वाली ऑप्शन ट्रेन टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे गाइस मैं इस पर क्लिक करता हूं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट में गाइस हमें अपनी जर्नी स्टेशन को यहां पर फिलअप कर देना होता है। तो सिंपल गाइस, मैं अपने जर्नी स्टेशन को यहां पर फिलअप कर देता हूं। जैसे गाइस मैं जाना चाहता हूं चेन्नई सेंट्रल से काठवाड़ी जंक्शन तक। तो सिंपल गाइस, मैं यहां पर चेन्नई सेंट्रल फर्स्ट वाले ऑप्शन में फिलअप कर देता हूं। सेकंड वाले ऑप्शन में फिलअप कर देता हूं काठवाड़ी जंक्शन। तो सिंपल गाइस, मैं यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी जर्नी स्टेशन को फिलअप कर देता हूं। फिलअप करने के बाद आपको यहां पर सिंपल गाइस नीचे की साइड जर्नी डेट को यहां पर सिलेक्ट कर लेना होता है। सिंपल गाइस, मैं यहां पर डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जर्नी डेट को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे गाइस मैं यहां पर तत्काल टिकट बुक करना चाहता हूं, आपको रिसेंटली डेट से गाइस एक दिन आगे की ही तत्काल टिकट मिल सकती है। सिंपल गाइस, मैं यहां पर 12 तारीख, कल 12 तारीख है तो 12 तारीख का ही टिकट बुक कर सकता हूं। फिर मैं यहां पर नीचे की साइड बुक ट्रेन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे गाइस हम इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने वो सभी ट्रेनें शो करेंगी जो कि गाइस चेन्नई सेंट्रल से काठवाड़ी जंक्शन तक जाने वाली है। तो यहां पर देखिए गाइस बहुत सारी ट्रेनें हमें देखने को मिल जाती है गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस हमें यहां पर नीचे की साइड कोटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस अपने तत्काल कोटा को यहां पर सिलेक्ट कर लेना होता है। सिंपल गाइस, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। सिंपल गाइस, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं तो गाइस हमें यहां पर तत्काल वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना होता है। सिंपल गाइस, मैं यहां पर जो जनरल वाला ऑप्शन है उससे हटा कर गाइस मैं यहां पर तत्काल वाले ऑप्शन पर टिक लगा देता हूं। इस पर टिक लगाने के बाद आपको यहां पर जो टिकट यहां पर शो करेंगे वो सभी तत्काल टिकट ही यहां पर शो करेंगे गाइस। तो यहां पर देखिए गाइस जो टिकट भी हमें अवेलेबल यहां पर बता रहे हैं वो सभी तत्काल में ही हमें अवेलेबल बताएंगे गाइस। तो यहां पर देखिए गाइस बहुत सारे हमें टिकट्स यहां पर अवेलेबल बता रहे गाइस। तो आप किसी भी टिकट को यहां पर बुक कर सकते हैं गाइस। तो यहां पर सिंपल से आपको अपनी डेट और टाइम के हिसाब से अपनी ट्रेन को यहां से सिलेक्ट कर लेना होता है। सिंपल से मैं इस वाली ट्रेन को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। ट्रेन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर अपना कोच सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे गाइस मैं 2S में अपना टिकट बुक करना चाहता हूं, 2S के नीचे वाले इस बुक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर सिंपल गाइस आपको अपने ट्रैवलर डिटेल्स की डिटेल्स को यहां पर फिल अप कर देना होता है। जैसे गाइस मेरा नाम है प्रकाश कुमार, तो सिंपल गाइस मैं अपना नाम यहां पर फिल अप कर देता हूं। नाम फिल अप करने के बाद आपको यहां पर नीचे की साइड एज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एज यहां पर फिल अप कर देनी होती है। जैसे गाइस मेरी एज है 23, तो 23 करके यहां पर फिल अप कर देता हूं। 23 फिल अप करने के बाद नीचे की साइड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे गाइस मैं इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो गाइस हमारी ट्रैवलर डिटेल्स है वो यहां पर फिल अप हो जाएगी गाइस। तो सिंपल गाइस हमारी जो ट्रैवलर डिटेल्स है वो यहां पर फिल अप हो गई है। फिल अप होने के बाद नीचे की साइड आपको एक IRCTC यूजर आईडी का देखने को मिल जाता है। तो सिंपल गाइस आपको अपना IRCTC का यूजर नेम यहां पर फिल अप कर देना होता है। मैंने पहले से फिल अप किया तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है। फिर हमें यहां पर नीचे की साइड अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल अप कर देना होता है। फिर हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने वो सभी ऑप्शन शो करेंगे जिससे कि गाइस अपना पेमेंट फिल अप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट में हमें जो ऑप्शन शो कर रहा है UPI पिन, जैसे ही हम इस पर टिक लगाते हैं तो हमारे सामने नीचे की साइड तीन और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। गूगल पे है, पेटीएम है और मोर UPI पिन भी है। तो इन ऑप्शन से भी आप अपना पेमेंट फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही गाइस अपना पेमेंट फिलअप करेंगे तो गाइस जो आपका टिकट है वो ऑनलाइन बुक हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से गाइस आपने मोबाइल में रेल यात्री ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चला होगा, और वीडियो चला होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू गाइस।